अगर आपके भी फ़ोन में आपको YouTube ओपन करने पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देर वैसे प्रॉब्लम साइन इन टू योर अकाउंट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो YouTube है वो नहीं चल रहा, ये नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पर गाइस आपका YouTube भी नहीं, अगर आप यहाँ पे प्ले स्टोर को भी ओपन करते हो तो यहाँ पर आपका प्ले स्टोर भी नहीं चल रहा। तो इस वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊँगा, आप ये समस्या कैसे सही कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं इस समस्या का सोल्यूशन। अब यहाँ पर आपको ये समस्या सही करने के लिए सबसे पहले अपना YouTube को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं अपने YouTube को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर ये मुझे प्रॉब्लम आ जाता है YouTube ओपन करते ही, ठीक है। अब यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको साइन इन पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपसे ये बोलता है वेरीफाई इट्स यू। तो यहाँ पर गाइस ये कहना चाह रहा है कि आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो तो यहां पर आपको आपकी आईडी का पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको अपनी आईडी का पासवर्ड याद है तो यहां पर आप ऊपर एंटर कर सकते हो। फिर इसके बाद यहां पर आप उसे नेक्स्ट कर सकते हो और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा, आपका यूट्यूब चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको अगर अपना पासवर्ड ज़रा सा भी याद है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको याद नहीं है अपना पासवर्ड तो यहाँ पर आपको ट्राई अनदर वे पे क्लिक करना है। और यहाँ पर गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपकी आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपको कोड यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर या तो आपके नंबर पर कोड जाएगा या फिर आपके जीमेल आईडी पर कोड जाएगा, जो भी यहाँ पर आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी लगा हुआ है होगा। गाइस अगर आपके मोबाइल नंबर पर कोड गया है तो यहाँ पर आपको वो कोड एंटर करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं उस कोड को एंटर कर देता हूँ। अब कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना एक नया पासवर्ड बनाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना नया पासवर्ड बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नया पासवर्ड बना लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सेव पासवर्ड पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा वेरीफाई कर रहा है। अब यहाँ पर गाइस हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो YouTube ओपन करने पर हमें जो प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्ले स्टोर भी हमारा जो नहीं चल रहा था वो भी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो प्ले स्टोर है वो भी सही हो गया है। तो इस तरीके से आप ये समस्या बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हो।